हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपको वही हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है एलएनटी की तरफ से, लार्ज देन टुब्रो की तरफ से। यहाँ पे बल्क में हायरिंग आपको देखने को मिल जाएगा और सारी की सारी भर्ती आपको टेक्निकल देखने को मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1000+ वैकेंसी आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और ये सारी की सारी वैकेंसी मेरे भाई परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा कंपनी के अंदर। ऑन रोल के बेसिस पे आप वर्क करेंगे जिसके अंदर आपका सैलरी बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। तो कैसे अपने को अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, आपका जॉब लोकेशन आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका सैलरी क्या रहने वाला है, सीटीसी क्या रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा बिना स्किप किए। यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ मेरे भाई, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। लाइक का जो टारगेट रहेगा आपका 700+ आपको लाइक करवा देना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है बिना कंजूसी किए। और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता रहता है ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाने का। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता देना कि आपने कौन सी ब्रांच में डिप्लोमा बी बी टेक किया है, आपने कौन से ट्रेड के अंदर आईटी किया है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले और इनडायरेक्टली वहां पे आप लोगों को फायदा होगा। इवन मैंने आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए हैं, लाइक टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक ग्रुप का। जल्दी से जाके इन सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेना। इन्हीं सारे प्लेटफॉर्म पे आपको उन जॉब्स का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा जो कि अक्सर मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाता। और यार यूट्यूब पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं है, तब डायरेक्टली इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है या कुछ भी पूछना है तो आप डायरेक्टली मुझको मैसेज कर पाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं जो कोर इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर जॉब को ढूंढ रहे हैं। अनअकैडमी कोर इंजीनियरिंग आपके लिए लेके आए कैरियर असिस्ट टेस्ट जिसमें आपको 20 एमसीक्यू होंगे। ये टेस्ट आपकी हेल्प करेगा 140+ कंपनी जैसे सीमेंस, वॉल्वो, टाटा हिटाची, ओला इलेक्ट्रिक, ऐसी 140+ कंपनी के साथ आपका इंटरव्यू करवाने में हेल्प करेगा। तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे क्लिक करके जल्दी से इसको इनरोल कर लीजिएगा। बात की जाए जो आपका टेस्ट रहेगा वो आपका 8 जनवरी को रहेगा, संडे के दिन रहेगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। दोपहर को 4 बजे के करीब आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। टेस्ट पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पे आपको 20 एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। आप ही की ब्रांच से रिलेटेड आपका सवाल पूछा जाएगा, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ही आपको सवाल पूछे जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपकी इस टेस्ट में परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको यहां पे कंपनी कॉल करने वाली है। 140+ कंपनी आपको यहां पे देखने को मिलेगी और इंटरव्यू कॉल आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बात की जाए यहां पे आपको अनअकैडमी आपको यहां पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाएगा। डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे जिनकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी उनको यहां पे स्कॉलरशिप भी देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं यहां पे कौन कौन सी कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है इस टेस्ट के अंदर। तो आपको यहां पे 140+ कंपनी देखने को मिलेगी जिसके अंदर देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू देखने को मिल जाएगा, ओला इलेक्ट्रिक देखने को मिल जाएगा, सीमेंस देखने को मिल जाएगा, वॉल्वो देखने को मिल जाएगा। ऐसी 140+ कंपनी आपको इस टेस्ट के जरिए इंटरव्यू कॉल करने वाली है। बात की जाए यहां पे कि आपको रिवार्ड क्या क्या देखने को मिलेंगे। देखिए रिवार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो आपको 2000+ जॉब वैकेंसी देखने को मिलेगी, 140+ कंपनी हायरिंग करने वाली है आपका, साथ ही साथ अनअकैडमी आपको यहां पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाएगी। तो देर किस बात की, जल्दी से जाके इनरोल कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड यहां पे प्रीवियस कैरियर असिस्ट टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। 60+ लर्नर यहां पे ऑफर लेटर को पा चुके हैं मेरे भाई, यहां पे आप रिजल्ट देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैंने शो कर दिए। साथ ही साथ अगर आपका मान लेते हैं कैरियर असिस्ट टेस्ट क्लियर नहीं होता तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, अनअकैडमी अपने अप स्किल प्रोग्राम के जरिए ये सारी जॉब्स का प्रिपरेशन आपको करवाने वाला है। तो मेरे भाई देर किस बात की, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से जाके इसको इनरोल कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे सीट आपको लिमिटेड देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा वो एलएनटी की तरफ से बल्क में हायरिंग देखने को मिल जाएगा और जो वैकेंसी यहाँ पे पोस्ट आउट किया गया है वो पोस्ट आउट किया गया है लिंक्डइन के थ्रू। तो अगर आपने लिंक्डइन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री कैप आपको देखने को मिलेगा और आप यहां पे अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफाइल क्रिएट करने में आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर प्रोसेस समझा दूंगा, ठीक है।
अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी पोस्ट आउट की गई है, फाल्गुनी शाह जी द्वारा वैकेंसी पोस्ट आउट की गई है। एक दिन पहले यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी को डाला है। L&T के अंदर ये HR है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉक इन ड्राइव आपका रहेगा L&T एनर्जी हाइड्रोकार्बन के अंदर। अब डायरेक्टली बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे जो आपका वॉक इन ड्राइव चलेगा वो आपका चलेगा चेन्नई के अंदर, पुणे के अंदर और मुंबई लोकेशन के अंदर आपका वॉक इन ड्राइव चलेगा। अगर आप वॉक इन ड्राइव देने जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, अगर आप नहीं देना चाहते तो आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप डायरेक्टली अपने CV को इनकी मेल ID पे सेंड कर सकते हैं। आपको कैसे सेंड करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए। यहाँ पे ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। कंपनी यहाँ पे ऑयल एंड गैस के अंदर सेक्टर के अंदर वर्क करती है, ठीक है, और ऑल इंडिया के अंदर इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पे BTech की है, डिप्लोमा की है या फिर अगर आपने IT की है, आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। फ्रेशर रहेंगे तो आपकी सैलरी थोड़ी कम देखने को मिलेगी, लेकिन फ्रेशर को भी हायर करते हैं, सैलरी थोड़ा आपका मीडियम देखने को मिलेगा, लेकिन अप्लाई जरूर कर देना क्योंकि यहाँ पे फ्री का फॉर्म है। आपको यहाँ पे एक रुपया भी पे नहीं करना, फ्री का ये फॉर्म है। कैसे अप्लाई करना है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने पूरा एक चार्ट मेंशन कर रखा है जिसमें इन्होंने बता रखा है कि आपका वॉक इन ड्राइव का लोकेशन क्या रहेगा और वेन्यू क्या रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कौन से दिन वॉक इन ड्राइव चलेगा, आपका टाइम क्या रहेगा, उसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने डिसिप्लिन को मेंशन कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने मेंशन कर रखा है कि चेन्नई के अंदर आपका वॉक इन ड्राइव चलेगा, जो कि रहेगा यहाँ पे जो जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगी वो चेन्नई और वडोदरा की जॉब लोकेशन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने वेन्यू को मेंशन कर दिया है। यहाँ पे जो आपका वॉक इन ड्राइव चलेगा वो 7 जनवरी को आपका वॉक इन ड्राइव चलेगा सैटरडे के दिन, और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपका वॉक इन ड्राइव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सिविल और स्ट्रक्चरल वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्लांट एंड पाइपिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी आपको यहाँ पे ब्रांचेस देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वॉक इन ड्राइव आपको देखने को मिलेगा पुणे लोकेशन के अंदर, जिसका वेन्यू यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और जो जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगी वो वडोदरा गुजरात की जॉब लोकेशन देखने को मिलेगी। आप इंटरव्यू पुणे देने जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन जॉब लोकेशन आपको वडोदरा गुजरात की देखने को मिलने वाली है। ये जो वॉक इन ड्राइव आपको देखने को मिलेगा वो 8 जनवरी को वॉक इन ड्राइव देखने को मिलेगा संडे के दिन, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपका वॉक इन ड्राइव चलेगा, जिसके अंदर ये सारी ब्रांचेस दे रखी है। कोई भी अप्लाई कर सकता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले। साथ ही साथ यहां पे नेक्स्ट वॉक इन ड्राइव चलेगा वो आपको चलेगा मुंबई लोकेशन के अंदर, जिसके अंदर यहां पे इन्होंने वेन्यू को मेंशन कर दिया है, और जो जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगी मुंबई और वडोदरा की जॉब लोकेशन आपको यहां पे देखने को मिलेगी, जो कि यहां पे मेंशन किया गया है। साथ ही साथ ये जो वॉक इन ड्राइव आपको देखने को मिलेगा 21 जनवरी को ये वॉक इन ड्राइव आपको देखने को मिलेगा, सुबह आप देख सकते हैं 2:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे के करीब आपको यहां पे वॉक इन ड्राइव देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर सारी ब्रांचेज एलिजिबल है जो कि यहां पे मेंशन किया गया है। साथ ही साथ यहां पे अदर लोकेशन के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक दिल्ली है, हैदराबाद है और अदर लोकेशन है अब्रॉड है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे इन्होंने अपना मेल आईडी दे रखा है, इसी मेल आईडी पे क्या करना है आपको अपने सीवी को सेंड कर देना है, जो भी आपका सीवी है उसको सेंड कर देना है कवर लेटर के साथ। ध्यान रखिएगा कवर लेटर के साथ सेंड करना है। अब कवर लेटर आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन कर रखी है नोट के अंदर कि अगर आप वॉक इन ड्राइव देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कैरी करना है 2 कॉपीज ऑफ योर CV, आपका जेरोक्स कॉपी कैरी करना है आपका CV का, ठीक है, जिसके 2 कॉपी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी आपके यहाँ पे नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, लाइक आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या फिर कुछ भी है, सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे कैरी करना है, जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अप्लाई कैसे करना है। देखिए यहाँ पे इन्होंने अपना मेल आईडी दे रखा है, ये मेल आईडी पे आपको अपने सीवी को सेंड कर देना है कवर लेटर के साथ। अब कवर लेटर आपको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ आपके सामने ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, टॉप पे आपको दिख रहा है पिन मैसेज का, तो आपको सबसे पहले इस पर करना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक्सपीरियंस वालों के लिए कवर लेटर आएगा। फ्रेशर को भी बता रहा हूँ कैसे कवर लेटर आपको कॉपी करना है। सबसे पहले एक्सपीरियंस वालों के लिए, तो आपकी ब्रांच जो भी है उस ब्रांच को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, और इवन आपका जो भी BTech किया है या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया उसको मेंशन कर देना, और BTech किया है तो आप डिप्लोमा को हटा देना, अगर आपने डिप्लोमा किया तो BTech को हटा देना। आपका प्लेस कौन सा है और आपका नेम ऑफ कॉलेज कौन सा है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। 2016 में किया है, 17 में किया, 18 में किया, 19 में किया, 20 में किया, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कितने साल का एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसको
कॉपी करना पड़ेगा। पहले कॉपी कैसे करेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी लॉन्ग प्रेस करिएगा। जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक बटन आ जाएगा ऊपर वाला, इस पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना, फिर आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं टेक्स्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये कॉपी हो गया, आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब बता रहा हूँ कि सीवी कैसे आपको, रिज्यूम सीवी कैसे आपको डाउनलोड करना है। जो भी मेरे भाई बहन हैं उनके पास रिज्यूम नहीं है तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ऊपर पिन मैसेज दे रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रेशर रिज्यूम फॉर्मेट मैंने दे रखा है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा आपके मोबाइल के अंदर डॉक्स का एप्लीकेशन होना जरूरी है, जिसको आप प्ले स्टोर के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको डाउनलोड करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने रिज्यूम और सीवी को एडिट कर सकते हैं अपने मोबाइल की हेल्प से। इसमें कोई लैपटॉप कोई पीसी नहीं चाहिए, ये आपका सीवी का फॉर्मेट हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो कवर लेटर चाहिए फ्रेशर को, आप वापस इस पर क्लिक करिएगा पिन मैसेज पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कवर लेटर फॉर फ्रेशर, फ्रेशर वालों के लिए कवर लेटर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखा है। यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, इसको एडिट कर लेना है। कैसे एडिट करना है, नॉर्मली बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ब्रांच जो भी है उसको मेंशन कर दीजिएगा, कब आपने बीटेक डिप्लोमा किया है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। देन फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिएगा, इस नेम को हटा के आपका नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर को हटा के आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब आपको मेल कैसे करना है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि मेल करना नहीं आता। अब मेल करना मैं आपको बता रहा हूँ, एक कवर लेटर आपने कॉपी कर लिया, इसको एडिट कर लिया, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब चलते हैं अपनी जीमेल पे, जिसके थ्रू अपने मेल करेंगे। जो मेल आईडी मैं मेंशन करूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसी पे आपको मेल करना है। ध्यान से कॉपी करिएगा उसको, ठीक है। अब मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डायरेक्टली आप उस पर कॉपी करके इसको मेल कर सकते हैं। अब जीमेल ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली। हम बता रहा हूँ कि आपको मेल कैसे करना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले आप अपना जीमेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे कंपोज का, तो आपको यहाँ पे कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पे लिखना है जो भी आपका मेल आईडी रहेगा, जिस भी मेल आईडी पे आप मेल करना चाहते हैं, जो मेल आईडी मैंने मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको कॉपी करके यहाँ पे टू के बाद आपको यहाँ पे मेल आईडी डाल देना है। देन फिर आता है आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको सब्जेक्ट के अंदर जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोजीशन को यहाँ पे मेंशन कर देना है। देन फिर आता है कंपोज ईमेल, तो आपको मैंने जो कवर लेटर दिया है उसको आपको यहीं अटैच करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे करना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे आपको कवर लेटर को कर देना है कॉपी, आप इसको एडिट कर लेना, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको यहाँ पे इसको एडिट करना है। नॉर्मली आप इसको एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ आपको यहाँ से हटा देनी है। डियर सर मैम ये आ जाएगा और नेम को हटा के आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हटा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको एडिट कर लेना है। देन फिर आता है यहाँ पे आपको सीवी को कैसे अटैच करना है, ऊपर एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे अटैच फाइल का, आपको इस पर करना है क्लिक। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अटैच फाइल का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपने ड्राइव के अंदर ओपन हो जाएंगे, जिस भी ड्राइव के अंदर आपका सीवी है रिज्यूम है उसको यहाँ पे अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे डायरेक्ट का सेंड का, तो आपको इस पर कर देना है क्लिक, ये डायरेक्टली आपका मेल सेंड हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्टली सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं ताकि वो जॉब आपके लिए मिला सके। एंड व्हाट्सएप टेलीग्राम लिंक्डइन फेसबुक से जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।